हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कोमल इंटरमीडिएट क्लासेस। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के लिए मैथमेटिक्स। तो सबसे पहले हम बता दें कि जो सीबीएसई क्लास 10th के लिए एग्जाम कंडक्ट कराती है, उसमें पेपर का पैटर्न क्या होता है, उसके बारे में थोड़ी सी चीजें समझ लेते हैं। इसके बाद हम एक एक करके चैप्टर के एनालिसिस करेंगे और उसको पढ़ेंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए आप ध्यान से कि जो आपका फर्स्ट यूनिट होता है वो है आपका नंबर सिस्टम, और इसका जो वेटेज होता है आपके एग्जाम में यानी बोर्ड में वो 6 मार्क्स का होता है। इसके बाद जो सेकेंड नंबर पे है वो आपका एलजेब्रा है, जो इसका वेटेज है ये 20 मार्क्स का है। वैसे ही आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होती है, इसका जो वेटेज होता है वो 6 मार्क्स का होता है। जो ज्योमेट्री होती है इसका वेटेज है 15 मार्क्स का। ट्रिग्नोमेट्री का वेटेज जो है वो 12 मार्क्स का। फिर इसके बाद आपका मेंसुरेशन होता है, उसका जो वेटेज है वो 10 मार्क्स का। फिर स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी जो है वो 11 मार्क्स की है। तो आज से हम रेगुलर क्लासेस स्टार्ट करेंगे, जिसमें आप हमारे साथ जुड़ के हमारे चैनल के माध्यम से डेली आप क्या कर सकते हैं, एक एक लेक्चर के थ्रू क्लासेस पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आइए फर्स्टली हम पढ़ेंगे किसको, नंबर सिस्टम को, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है आपका क्या, नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में हमको पढ़ना क्या है, रियल नंबर के बारे में पढ़ना है। तो क्लास 9th में हम सारी चीजें ये पढ़ के आ चुके हैं कि नंबर सिस्टम क्या होता है, इसके कैसे कैसे पार्ट होते हैं, ये क्लास 9th से ही पढ़े हुए हैं। लेकिन अब हमको क्लास 10th के अकॉर्डिंग जो पढ़ना है, हमको फर्स्ट चैप्टर वो पढ़ना है रियल नंबर के बारे में। तो रियल नंबर क्या होता है, किससे मिलके बना होता है, फिर इसके अंदर और कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ये सब चीजें समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक चार्ट डिराइव करेंगे। उस चार्ट के माध्यम से हम आपको क्या करेंगे, रियल नंबर को समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन और एक चीज बता दें कि जो हमें रियल नंबर में पढ़ना है उसमें हमको यूक्लिड्स लेमा रूल के बारे में पढ़ना है। यूक्लिड्स लेमा जो रूल है वो कैसे अप्लाई किया जाता है, क्या क्या चीजें होती हैं, फिर यूक्लिड एल्गोरिथम होता है जिससे हम क्या फाइंड करते हैं, एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो उसके बारे में आज हम क्या करेंगे, बेसिक बातें करेंगे, क्योंकि आज का जो फर्स्ट आपका लेक्चर है ये इंट्रोडक्शन का लेक्चर है, और फर्स्टली बेसिक सी बातें करेंगे, फिर इसके बाद इस पे हम एग्जांपल के थ्रू फिर कहां जाएंगे, आपके एक्सरसाइज पे जाएंगे। तो आइए क्या करते हैं, हम चार्ट के माध्यम से इसको समझते हैं, ठीक है बच्चों। तो हमने कहा अभी कि हम एक चार्ट के माध्यम से इसको समझेंगे। तो फर्स्टली हमने देखा कि जो नंबर सिस्टम होता है, यानी जो नंबर होता है, वो ब्रॉड लेवल पे दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है आपका रियल नंबर और एक होता है आपका इमेजिनरी नंबर। यानी रियल नंबर को हम कहते हैं वास्तविक संख्या, और इमेजिनरी नंबर को कहते हैं क्या, अवास्तविक संख्या। फिर इसके बाद हमने देखा कि रियल नंबर जो है वो दो पार्ट से बना होता है। यहाँ पे इमेजिनरी नंबर यहीं पे ब्लॉक हो जाता है। फिर इसके बाद रियल नंबर जो होता है वो दो पार्ट से मिलकर बना होता है। एक होता है आपका रेशनल नंबर और दूसरा होता है इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर का मतलब परिमेय संख्या और इरेशनल का मतलब अपरिमेय संख्या। फिर रेशनल नंबर यहीं पे ब्लॉक हुआ, इसके बाद हम रेशनल नंबर को लेके कहां बढ़े, आगे बढ़े। तो रेशनल नंबर को हमने देखा तो ये फ्रैक्शन और इंटीजर से मिलकर बना होता है। एक एक चीजें करके हम फिर सारे डिफिनेशन बताएंगे आपको, लेकिन बस एक चार्ट के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। फिर इंटीजर्स को हमने देखा तो ये निगेटिव नंबर्स और होल नंबर से मिलकर बना होता है। फिर हमने देखा कि निगेटिव यही ब्लॉक हुआ और होल लेके आगे बढ़े हम। तो जो होल नंबर है, ये होल नंबर किससे मिलकर बना, जीरो और किससे, नेचुरल नंबर से। अगर अब इसी चीज को देखें, क्योंकि हमारे पास जगह यहाँ पे नहीं थी, इसलिए हमने इस चार्ट को उठा के कहां रखा, यहां डिराइव किया। बात तो क्लियर हुई होगी आपको अच्छे से। अब देखिए, फर्स्टली यदि हम चलें तो हम ये कह सकते हैं कि जो नंबर होता है उसमें सारे दुनिया के काउंटिंग जो नंबर होते हैं, दुनिया में सारी चीजें जो देखते हैं हम, वो क्या होते हैं, नंबर्स के अंदर आते हैं। ये तो क्लियर हुआ।
फिर हम नंबर से जैसे ही आगे चलते हैं तो रियल नंबर में चलते हैं, तो रियल नंबर में हम कहते हैं कि जो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर होता है ये दोनों इसमें आते हैं, इसके अंदर ये होते हैं। फिर आगे हम चलते हैं, जो जो आपका रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर में कहते हैं कि फ्रैक्शन होगा, इंटीजर्स होगा। फिर आप कहाँ करेंगे, इंटीजर्स में कहेंगे निगेटिव नंबर होंगे, होल नंबर होंगे। फिर ऐसे ही होल नंबर में आएंगे तो फिर कहेंगे आपसे क्या, इसमें जीरो और नेचुरल नंबर होगा। अगर हम इसी की बात डायरेक्टली कर दें आपसे कि मैं कह दूं कि नेचुरल नंबर नंबर सिस्टम में आएगा तो कहेंगे कि आएगा। फिर मैं कह दूं कि ये होल नंबर क्या होते हैं, ये आपके रेशनल नंबर होते हैं तो आप कहेंगे कि रेशनल नंबर होते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए इसी पार्ट का ये आगे तक बढ़ा है। बहुत बेसिक से क्वेश्चन एक दो करके ऐसे आपके क्या ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। ऐसे नॉर्मल पूछ दिया कि क्या सभी होल नंबर आपके रेशनल नंबर हैं, तो आप कहेंगे यस, होल नंबर इज द रेशनल नंबर। होल नंबर क्या होता है, आपका रेशनल नंबर होता है। अब बात हम करेंगे कहां से स्टार्ट करेंगे, नेचुरल नंबर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जीरो तो आप जानते ही हैं। अब नेचुरल नंबर से स्टार्ट करें, इस चार्ट को आप बना लीजिए अच्छे से, ओके। फिर इसको इरेज करके हम क्या करेंगे, नेचुरल नंबर से स्टार्ट करेंगे, होल नंबर पढ़ेंगे, होल नंबर के साथ निगेटिव पढ़ेंगे क्या होता है, इंटीजर्स क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है, फिर रेशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है, रियल नंबर क्या है, इमेजिनरी नंबर क्या है, तो फिर हम पहुंच गए कहां अपने नंबर सिस्टम पे। लेकिन इस चैप्टर में जो हमको पढ़ना है वो किसके बारे में पढ़ना है, केवल रेशनल नंबर के। आगे जैसे ही हमारी एक्सरसाइज बढ़ती जाएगी तो वहां हम रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर की बातें करेंगे, और इस पे जो कुछ प्रूफ होंगे बोर्ड के हिसाब से जो काफी इंपॉर्टेंट रखे जाते हैं उसको पढ़ेंगे, ठीक है। नोट करिए इसको। तो बच्चों हम आपको बता दें कि चार्ट के हिसाब से हम फर्स्टली किसको पढ़ेंगे, नेचुरल नंबर को। इसको आप जानते हैं अच्छे से, भली भांति बिल्कुल इससे परिचित हैं। तो हम कहते हैं ऑल काउंटिंग नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर इज नेचुरल नंबर, यानी आप कह सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ही कहां तक, इनफाइनाइट तक। यानी अगर हम लिखना भी चाहते हैं इसको एन टर्म्स लिखते हैं, ऐसे हम लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 करके आगे चलते हैं, तो हम जो चलते हैं इनफाइनाइट तक चलते जाते हैं, मतलब जहां तक हम नंबर को क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, तो हम एन टर्म्स दे देते हैं। तो हम कहते हैं कि ये किस प्रकार के नंबर हैं, आपके नेचुरल नंबर हैं। फिर इसके बाद हम चलते हैं सेकेंड नंबर पे, तो हम कहते हैं क्या आपसे होल नंबर, किसकी बात करेंगे, होल नंबर्स की बात करेंगे। होल नंबर्स में हम कहते हैं कि यदि नेचुरल नंबर में, यदि नेचुरल नंबर में हम जीरो को ऐड कर दें फिर इसके बाद काउंटिंग स्टार्ट करें, तो हमारे पास जो नंबर बनेगा और हमको एक नया नंबर जो मिलेगा वो बहुत बढ़िया नंबर मिलेगा, जिसको हम क्या कहेंगे, होल नंबर। कहने में बहुत मजा आता है आपको, होल नंबर। जैसे कोई चीज करते हैं तो कहते हैं ना होल का होल। तो जो भैया आप होल नंबर कह रहे हैं, काउंटिंग नंबर में ओनली ऐड टू जीरो, किसको ऐड करा हमने, जीरो को ऐड करा, और 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ही डॉट डॉट कहां तक, एन टर्म्स तक लिखते चला। और जब हमने ऐसा देखा और एक सुंदर सा एक लिखावट मिला, ये 0, 1, 2, 3, 4, 9 ऐसे करते गया, तो हमें जो नंबर मिला वो कौन सा नंबर मिल गया, होल नंबर्स मिल गया। क्लियर हुआ यहां तक? फिर इसके बाद हम कहते हैं आपसे कि इंटीजर, इंटीजर्स की बात करते हैं। तो कहते हैं भैया ये इंटीजर्स क्या है, तो कहते हैं कि जो हमारे पास आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5 और डॉट डॉट क्या, एन टर्म्स चलता है, यदि इसमें हम किसको ऐड कर दें, निगेटिव नंबर्स को, यानी -1, -2 ये कहां तक, -n से, कहां से, -n से, यदि इस प्रकार का हमको नंबर मिल गया तो वो क्या बन जाएगा, आपका इंटीजर बन जाएगा। बेसिक बेसिक बातें हैं, आज का लेक्चर बिल्कुल बेसिक है, लेकिन ये बहुत मजेदार बातें हैं, क्योंकि ये हम करते क्या है कि अपर स्टैंडर्ड की चीजें पढ़ने में इसको छोड़ देते हैं। यहां तक मैं आपको बता दूं कि आगे आगे जैसे हम रियल नंबर तक जाते हैं तो क्लास 12 तक के बच्चे भी इस चीज को भूल जाते हैं कि रियल नंबर क्या होता है। इसलिए बेसिक चीज है, बेसिक लेक्चर है, बढ़िया से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हमने कहा कि जो इंटीजर होते हैं वो माइनस एन से स्टार्ट होके जीरो के साथ होके कहां, प्लस एन तक चलते हैं।
बेसिकली आपने सुना होगा कि जो आपके पास इंटीजर होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो कुछ बच्चे कहते हैं कि सर जी ये आपके दो टाइप्स के होते हैं, कोई कहते हैं तीन टाइप्स के होते हैं। तो दो और तीन आज का जो कंफ्यूजन आपका बना होता है उसको हम करेंगे दूर आपके साथ मिलके। तो कहेंगे कि हमारा जो इंटीजर्स है वो कितने टाइप्स का, दो टाइप्स का। एक को हम कहते हैं आपके साथ पॉजिटिव इंटीजर और एक को कहते हैं निगेटिव इंटीजर। क्लियर हुआ? जीरो, जो ये आपका जीरो होता है, नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, ना तो ये पॉजिटिव होता है और ना ही निगेटिव होता है। कुछ के मन में आया कि सर क्यों नहीं इसको हम पॉजिटिव कह सकते हैं, जीरो वन टू थ्री पॉजिटिव तो काउंट कर दिया। तो हम कहेंगे कि जीरो से ही चल के भैया जरा हमको निगेटिव में बता दो। तो निगेटिव में भी जीरो से चले तो क्या हुआ, जीरो को हम पॉजिटिव में रखते हैं तो पॉजिटिव हो गया, निगेटिव में रख दे तो निगेटिव हो गया। इसलिए हम कहते हैं कि जीरो ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही निगेटिव होता है, लेकिन इसको इंटीजर के रूप में ऐसे नॉर्मली काउंट कर लिया जाता है। क्लियर हो गया होगा आपको इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। अब इसके बाद हम फ्रैक्शन पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन की डिफिनेशन अगर आपसे पूछे हैं तो आई होप बहुत कम लोग इसको सोच पाओगे कि फ्रैक्शन क्या होता है। लेकिन फ्रैक्शन की डिफिनेशन अगर आपको याद हो तो मेरे साथ बोलिएगा कि फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल। जो फ्रैक्शन होता है वो किसी भी एक होल नंबर का क्या होता है, एक छोटा सा पार्ट होता है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। अब देखो फ्रैक्शन का मतलब कैसे हुआ कि यदि हमारे पास एक नंबर लाइन है, ये आपके पास क्या है, नंबर लाइन है, और इस पे हमने यहाँ पे जीरो को रखा और इधर रख दिया वन और इधर रख दिया टू, ऐसे ही इधर चला थ्री रखा, डॉट डॉट करके आगे तक चलते जाएंगे, और वैसे ही इधर हम लेफ्ट में आएंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, माइनस वन माइनस टू। ये डॉट डॉट जो है इसको जरा ध्यान से देखेंगे और इसको याद करेंगे कि मतलब याद करने का पर्पज क्या है, कि दिमाग में रखेंगे कि इसका मतलब क्या है, इसका कोई ना कोई पर्पज है, पर्पज क्या है इसको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो हमने कहा कि जो हमारे पास इंटीजर होते हैं वो बिल्कुल फिक्स होते हैं इस तरीके से, यहां यहां ऐसे फिक्स हुए आपसे। फिर हम कह दें आपसे ये कि क्या जीरो और वन के बीच में कोई नंबर होगा कि नहीं होगा, तो आप सोचेंगे तो कहेंगे कि क्यों नहीं सर, हो सकता है अगर हम 1/2 रख दें तो 0.5 बनेगा कि नहीं बनेगा, तो बन जाएगा। तो कहेंगे ना कि इसके बीच में आएगा, जो इसके बीच में आएगा, तो मान लीजिए हमने 1/2 रखा, ऐसे रख दिया, तो हम कहेंगे कि 1/2 हमने रखा तो हमें जो नंबर मिला नंबर लाइन पे, यानी जो फिक्स वैल्यू थी इनके बीच में जो नंबर मिला वो नंबर कैसा मिला, फ्रैक्शन के रूप में मिला, तो हम कह सकते हैं ये क्या है, आपके फ्रैक्शन नंबर है। क्लियर हुआ यहां तक? फिर आगे हम बढ़ते हैं इसमें, इसको नोट कर लीजिए जरा, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं रेशनल नंबर के बारे में, RATIONAL रेशनल नंबर। क्या पढ़ेंगे? रेशनल नंबर। अब देखिएगा, हमने कहा रेशनल नंबर पढ़ने की बात है, इसको हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या। इसका पर्पज क्या है इसको जरा समझते हैं। तो हम कहते हैं ऐसा कोई भी नंबर जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके। पी बाई क्यू का फॉर्म का मतलब है पी ऐसे और क्यू ऐसे। पी बाई क्यू के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब किसी को P और Q पसंद नहीं है तो इसके जगह कोई और भी लिख सकता है, वो आपकी मर्जी है। तो हमारी जो मर्जी है उसको हम लिख रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा कोई भी नंबर, इफ एनी नंबर रिटेन बाई पी बाई क्यू फॉर्म, ऐसा कोई भी नंबर जिसको हम P बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें, तो कहते हैं ये नंबर कैसा नंबर बनेगा, आपका रेशनल नंबर बनेगा। बट इसके साथ कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है, वेयर Q not equal to zero, जहां आपका Q हो वो जीरो नहीं होना चाहिए। इसके साथ एक और शर्त है, वो क्या है आपकी कंडीशन, Q
कि वेयर पी इज ए इंटीजर, इंटीजर यानी जो आपका पी है वो क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए। क्लियर है, इसको समझ लिए हैं आप कि ये क्या हो सकता है। अब जैसे ये होगा क्या, इस चीज को जरा समझेंगे, ऐसे लिख देते हैं हम आपसे कि हमने कह दिया 1/2। 1/2 क्या है आपका, रेशनल नंबर है। अब चेक करते हैं क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, पहली शर्त को भी कंप्लीट किया। दूसरी शर्त में हमने देखा कि ये क्या है आपका, 1 इज ए पॉजिटिव इंटीजर, तो हमारे पास शर्त ये नहीं थी कि पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। हमारे साथ शर्त क्या थी, हमारे साथ शर्त ये थी कि पी एक इंटीजर होना चाहिए, तो पी एक इंटीजर होना चाहिए तो उसमें पॉजिटिव निगेटिव सब आएगा, इसलिए हो गया। अच्छा, इसका दूसरा एग्जाम्पल जैसे हम कह सकते हैं कि -4/5, ये भी इसको फॉलो किया, ये भी आपका क्या बना, रेशनल नंबर बना। अब जरा बात को गौर से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा, और रिजल्ट हमको आप बताएंगे ना कि हम बताएंगे। इसको क्या कहेंगे, रेशनल नंबर की इरेशनल नंबर। अगर 0/5 लिखा हमने, 0/5 लिखा है, तो ये क्या बनेगा आपका, रेशनल की इरेशनल। अगर आप डिफिनेशन को बढ़िया से समझे होंगे, उसकी कंडीशन को समझे होंगे, तो आप तुरंत बताएंगे कि ये क्या है। तो आप अगर डिफिनेशन समझ चुके हैं तो आप कहेंगे डियर स्टूडेंट कि सर ये तो रेशनल नंबर बनेगा। तो फिर हम आपसे पूछें कि रेशनल नंबर बनेगा कैसे, तो आप बताएंगे कि सर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि क्यू इक्वल टू क्या है भैया, 5 है। तो हम कहेंगे दूसरी कंडीशन जरा हमको बताइए, तो आप कहेंगे कि क्यू एक क्या है? जो जीरो है वो आपका क्या है, जीरो इज ए आल्सो इंटीजर, क्या है आपका, जीरो एक इंटीजर है। बात क्लियर हो गई, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था आपसे कि जीरो को ना तो पॉजिटिव और ना ही निगेटिव नंबर्स में रखते हैं, इंटीजर्स में रखते हैं, बट जीरो एक क्या होता है, जीरो इटसेल्फ में ही एक इंटीजर होता है। इसलिए यदि 0/ कुछ भी कोई नंबर लिखा हो तो वो इंटीजर होगा। किसी के मन में आया और वो पूछ दिया कि तो सर हमको केवल ये बता दीजिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कि केवल 0 जब लिखा हो तो वो क्या होगा, रेशनल होगा कि इरेशनल होगा, तब भी आप कहेंगे कि ये रेशनल होगा। तो फिर आप इसको प्रूफ कैसे कर सकते हैं कि 0/1 लिखा तो इसके विहेव में, इनके नेचर में कोई चेंजिंग, ये ऐसे भैया हैं कि हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, आप चाहे कुछ भी कर लो। तो कुछ भी करने का मतलब क्या, मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, यही ऐड नहीं कर सकते, ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो चीजें चेंज हो जाएंगे। तो क्योंकि हमको p/q फॉर्म लिखना था, इसलिए इसके साथ ऐसे खेल खेल रहे हैं। तो हम कर देंगे क्या कि ये आपका इंटीजर बना, ये आपका क्या बना, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, इसको हम p/q के फॉर्म में लिख लेंगे। तो कहेंगे कि ये हमारी शर्तों को मानते हैं, इसलिए इनको हम कहां रखते हैं, रेशनल नंबर में रखते हैं। क्लियर हुआ बिल्कुल। अब थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं किसकी, इरेशनल नंबर की। बात कर लेंगे किसकी, इरेशनल नंबर की। बेसिक लेक्चर है लेकिन मजेदार लेक्चर है, मजा भी आता है समझने में। इसको कहते हैं क्या, अपरिमेय संख्या। अब इसमें क्या कहता है कि जब रेशनल नंबर को समझ चुके हैं तो हम यही ना कहेंगे कि ऐसा कोई भी नंबर जिसको p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके, यानी ऐसा कोई भी नंबर होगा जिसको p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है वो क्या होगा आपका, इरेशनल नंबर होगा। जैसे इसमें लिखने का पर्पज क्या है, किसको ऐसे लिख सकते हैं, √2, √3, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इरेशनल नंबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जैसे इसको कहते हैं 1.414, ऐसे लिखते जाते हैं, डॉट डॉट आगे करते जाते हैं, तो ये क्या हो जाता है आपका, इरेशनल नंबर। इसको कहते हैं 1.732, ऐसे लिखते हैं तो ये यहीं स्टॉप नहीं होता है, ये भी कहां, इनफाइनाइट है, कुछ भी बढ़ सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म है। तो मतलब क्या है कि यदि p/q के फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं और इसको जैसे ये वैल्यू लिखी गई है और नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म को फॉलो करती है,
एक चीज और है, जब हम रेशनल और इरेशनल को आगे चैप्टर में पढ़ेंगे तो और सारी बातें करेंगे उसमें कैसे होता है। जैसे रेशनल नंबर में, थोड़ा सा इसके पीछे वाले टॉपिक में जाएं रेशनल नंबर में, तो उसमें एक चीज और हो सकता है कि जो टर्मिनेटिंग फॉर्म होता है, मतलब क्या कि जैसे हम कोई ऐसा हमारे पास नंबर है और उसको हम डिवाइड करें, जैसे कि हम कह सकते हैं आपसे कि मान लीजिए कि हमारे पास 10/4 है, तो 10/4 है तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो कह सकते हैं 2.5, क्योंकि एक बार डिवाइड करा फिर डेसिमल के बाद ये क्या हो गया, रुक गया यहीं पे। जब ऐसा है तो कहेंगे कि ये आपका रेशनल नंबर है। क्या है? रेशनल नंबर है। बट अगर आपके पास किसी नंबर को हम डिवाइड करें, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक नंबर आ गया साइन, कहते हैं पाई, इसको लिखने की बात करते हैं 22/7, अब इसकी वैल्यू 3.14 ऐसे डॉट डॉट, क्योंकि बेसिक हम यही तक अपने समझने के लिए लिख लेते हैं, वैल्यू पुट कर लेते हैं, लेकिन ये वैल्यू यही नहीं होती है, आगे तक बढ़ती जाती है। जब इस तरीके की कोई नंबर मिले आपको, यानी नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म, तो आप उसको कहां रखेंगे, इरेशनल नंबर में रखेंगे। बट इफ एनी नंबर डिविजिबल हो या फिर क्या है डेसिमल के किसी पॉइंट तक जाने के बाद रुक जाता है, तो ऐसे नंबर को हम कह लेते हैं रेशनल नंबर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पे रखा जाता है। कुछ लोग क्या इस चीज को समझ नहीं पाते हैं कि जैसे कोई नंबर दे दिया, वो डिवाइड करा, वो नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म को फॉलो किया, तो कहेंगे क्या कि वो आपका इरेशनल नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म को, टर्मिनेटिंग फॉर्म को करा तो ये आपका क्या है, रेशनल नंबर। जैसे बहुत सारे नंबर, जैसे मान लो किसी चीज में हमने डिवाइड करा, जैसे हम मान लीजिए पी बाई क्यू लेट कर लेते हैं ऐसा कोई नंबर, जैसे मान लो कि हम इसका रिजल्ट ऐसे अपने एज्यूम कर लेते हैं समझने के लिए कि 1.414, फिर इसके बाद मान लो ये 4 नहीं रहा, ऐसे 5 रहा, फिर इसके बाद 415, फिर 415, अगर इतना भी रिजल्ट आया तब भी इसको हम कहां रखेंगे, रेशनल नंबर में। क्यों? क्योंकि ये टर्मिनेट कर रहा है, इनका एक प्रोसेस चल रहा है कि 415 आएगा, इसके बाद फिर क्या आएगा, 415 आएगा, फिर 415 आएगा। जैसे मान लो कि हमारे पास इस रूम में 4 लोग हैं, हमारे पास रूम हो 4 लोग हो, अब बॉल हम यहां से स्टार्ट करते हैं, तो जब ये अपनी बॉल आगे फेंकते हैं, आगे की तरफ फॉरवर्ड करते हैं, इनको आइडिया हो जाता है कि बॉल ऐसे घूम के फिर मेरे पास आएगी। ये नहीं अनुमान लगाते कि वहां से वहां, वहां से वहां, वहां, क्योंकि ये एक आप आइडिया बना चुके हैं कि हमने आपको दिया, आपने उनको, फिर उनको, फिर मेरे पास, क्योंकि आपका साइकिल ऐसे बन गया है। तो वैसे ही ये टर्मिनेटिंग फॉर्म 415 415 415 ऐसे चला, तो वो किसमें आ जाएगा, रेशनल नंबर में। अगर टर्मिनेट को फॉलो नहीं करता है तो वो क्या, इरेशनल। इसको रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग फॉर्म भी बोलते हैं, कि रिपीटिंग फॉर्म है तो रेशनल नंबर, नॉन रिपीटिंग फॉर्म है इरेशनल। काफी थोड़ा सा लंबा रहा लेकिन काफी अच्छा है आपके जानकारी के लिए, तो इस चीज को यहां समझ लेंगे, ठीक है। फिर आगे पढ़ते हैं, इसमें हम क्या बचा हुआ है आपके पास, रियल नंबर। क्या पढ़ेंगे, रियल नंबर। अब देखिए, हम सारी चीजें पढ़ चुके हैं, फिर पहुंच गए वहां नंबर को जहां पे डिवाइड करा गया था टू पार्ट में, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर यानी दुनिया के जितनी चीजें दिख रही हैं लगभग, वो किसमें आ जाती हैं, रियल नंबर में आ जाती हैं। बट इसके साथ कंडीशन ये होती है कि यदि आपके पास कोई वैसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर अगर वो पॉजिटिव नहीं बना तो वो रियल नंबर में नहीं आएगा। इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छी बात हम आपको बता रहे हैं कि यदि कोई आपके पास, दुनिया का कोई नंबर आपके पास हो और यदि हम उसका स्क्वायर करें और स्क्वायर करने के बाद भी वो पॉजिटिव नहीं बनता है, यानी निगेटिव रहता है, तो वो आपका रियल नंबर में नहीं आएगा। वैसे आप सोच रहे होंगे कि सर ऐसा कौन नंबर है जो निगेटिव लिखा गया है, जैसे हम कहते हैं कि -1 -2 0.
माइनस 0.5। आप कहेंगे सर इसका स्क्वायर करने के लिए कह रहे हैं, और फिर कहते हैं हम अंडर रूट टू अंडर रूट फाइव, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे तो टू हो जाएगा, फाइव हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे, जब स्क्वायर कर देंगे तो पॉजिटिव ये भी बना, पॉजिटिव ये भी बना, और क्या पॉजिटिव ये भी बन गया, सब पॉजिटिव बन रहे हैं, ये वन हो जाएगा, ये फोर हो जाएगा, इसका करेंगे तो क्या आपका 0.25 होगा। करके देख लीजिएगा, जब करेंगे तो आप कहेंगे कि सर आप बोले हैं अगर रेशनल नंबर हो गया, क्योंकि ये रेशनल नंबर है, अब रेशनल नंबर हो गया तो रियल नंबर में तो जाएगा, तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे आपका निगेटिव नहीं पॉजिटिव बन, जो निगेटिव ही रह जाएगा पॉजिटिव नहीं बनेगा, तो हम आपको दिखाते हैं ऐसे नंबर। जब दिखाएंगे तो आप कहेंगे सर जादू हो गया जादू, लेकिन जादू नहीं है, ये नंबर है, याद रखेंगे। तो देखिएगा, अगर मैं कह दूं अंडर रूट माइनस फाइव, अब जरा हमको इसका स्क्वायर करके अपना जादू दिखाओ, तो जादू जब आप दिखाएंगे तो कहेंगे कि सर इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो केवल ये भाई साहब स्क्वायर वाले जो इनको अंडर रूट करके ढके हुए हैं ये हटेंगे और ये नंबर आपका क्या आ गया माइनस आया। तो जब इस टाइप के नंबर आते हैं तो उसे हम कहां रखते हैं इमेजिनरी नंबर में रखते हैं, और लेकिन अगर स्क्वायर करने के बाद पॉजिटिव हो जाता तो दुनिया का कोई भी नंबर कौन सा नंबर होता रियल नंबर होगा। चीजें समझ में आई आपको रियल नंबर के बारे में, लेकिन जो बेसिक चीजें हैं रियल नंबर के बाद हम बता दें आपको कि अब जो हम पढ़ेंगे यानी जो हमको पढ़ना होगा वो क्या है, रियल नंबर में हमको पढ़ना है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बारे में। तो आइए इसको पढ़ते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। एक्चुअली जो ये लेमा है इसको हम थ्योरम भी कह सकते हैं, लेमा है इसको क्या कह सकते हैं थ्योरम भी कह सकते हैं। ये है क्या, एक्चुअली जो यूक्लिड्स साहब थे इनके बारे में आप क्लास नाइन्थ में पढ़ चुके हैं, तो क्लास टेंथ में इन्होंने एक डिवीजन रूल दिया जिसके बारे में हमें क्या करना है पढ़ना है। ये एक्चुअली एक प्रूवियन स्टेटमेंट होता है जो दूसरे क्वेश्चन पे अप्लाई किया जाता है। तो कहा जाता है इट इज ए प्रूवियन स्टेटमेंट यूज फॉर प्रूविंग एनदर स्टेटमेंट। मतलब क्या है इसका कि ये जो एक प्रूव किया गया स्टेटमेंट होता है इसे दूसरे क्वेश्चन पे अप्लाई करके प्रूव किया जाता है। जैसे आप बहुत बेसिक चीज इसका समझ चुके हैं कि इसमें मान लीजिए कि आपके पास ऐसे डिवीजन दिया होता है, मान लीजिए एक नंबर छोटा है और एक नंबर क्या है बड़ा है। जैसे हम मान लें कि 15 आपके पास है और 2 से क्या करना है इसको डिवाइड करना है, तो जब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम्स में क्या हो जाएगा कट होगा और 1 क्या बचेगा आपका रिमाइंडर बचेगा। तो इस चीज को अगर हम लिखना चाहते हैं तो जैसे कि आप बेसिक जब छोटी कक्षाओं में पढ़ते हैं तो हमको बेसिक बताया जाता है कि ये आपका क्या होता है डिविडेंड होता है, डिविडेंड होता है, ये आपका क्या होता है डिविजर होता है, और ये आपका क्या होता है कोशियंट होता है। और ये आपका क्या होता है रिमाइंडर होता है। अब जब इसको लिखने की हम बात करते हैं तो इस तरीके से कहते हैं कि हमारा क्वेश्चन सही है कि नहीं सही है। इसको जरा देखिएगा कैसे लिखते थे हम छोटी कक्षाओं में, इसको ऐसे लिख सकते थे कि 15 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 7 प्लस 1। ये आप क्या करते थे ऐसे चेक करते थे इस चीज को लिख के
तो ये आपका क्या हो गया, डिविडेंड इक्वल टू डिविजर मल्टीप्लाई कोशियंट प्लस रिमाइंडर। इस चीज को ऐसे करते थे आप, तो इस चीज को बस इन्होंने क्या एक स्टेटमेंट दे दिया और उस स्टेटमेंट के थ्रू इस लेमा रूल के बारे में हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। इसने आगे एक और बात कही जिसको हम एल्गोरिथम के माध्यम से समझते हैं। तो एल्गोरिथम क्या होता है, इस पे अप्लाई किया जाने वाला एक रूल होता है। नोट करिए इसको, फिर आगे इसमें पढ़ते हैं। तो आगे हम इसमें स्टेटमेंट हमको जो मिला यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में, वो कहा गया कि फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर। यूनिक को याद रखेंगे कि यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर। अब जैसे इसको लिखा कैसे गया कि सो हमने करा ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जो हमने ऊपर एग्जाम्पल समझा उसी कंडीशन में ये है। इसमें कहा गया कि ए इज ग्रेटर देन बी, फिर आर के बारे में बात की गई तो कहा गया कि आर की जो वैल्यू होगी वो या तो जीरो होगी या तो जीरो से क्या होगी, बड़ी होगी, लेकिन क्या हो जाएगी, लेस देन बी। मतलब क्या कि इससे ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, छोटी होगी। बात तो समझ में आई होगी यहाँ पे कि ये ऐसा हमने क्यों लिखा, क्यों, क्योंकि आपके पास अभी जो मैंने एग्जाम्पल समझाया था, इस चीज को फिर से मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये 15 था, ये 2 से हमने डिवाइड करा था और ये चीज आपको मिली थी। इसी चीज को इस तरीके से यदि हम लिखने की बात करें तो हम लिख सकते हैं 15, कैसे लिख सकते हैं, 15 इक्वल टू बी जो आपको मिला वो बी क्या था आपका, 2, वी क्या था आपका, 2 मल्टीप्लाई 7 प्लस 1। हमने इस आर की बात की, अगर यहां से कंपेयर करें इसमें तो ये ए हुआ, ये बी क्यू प्लस क्या मिला, आर। हमने जो स्टेटमेंट ये लिखा गया है नीचे इसको मिलाया तो हमको मिला कि इस आर की वैल्यू जीरो से बड़ी है लेकिन बी से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। वैसे उस कंडीशन में हम गए तो हमने देखा कि ये जो 2 है, ये जो 2 है इससे 1 क्या है, छोटा है। तो ये यही स्टेटमेंट दिया गया कि नहीं, जो ए और बी होगा यदि उसमें से कोई एक छोटा है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो हमें एक स्टेटमेंट मिल गया ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ऐसा कंडीशन मिला। तो उसमें जब देखते हैं हम कि जो पहली कंडीशन ये तब अप्लाई होगी जब दोनों नंबर में से एक नंबर क्या होगा आपका, छोटा होगा, और एक नंबर क्या होगा, बड़ा होगा। फिर आगे हम आर की बात जब करेंगे, आर का मतलब रिमाइंडर की बात करेंगे, तो जो रिमाइंडर होगा वो बी से आपका छोटा होना चाहिए और क्या होना चाहिए, इधर जीरो के, या तो जीरो से छोटा हो सकता, जीरो से बड़ा भी हो सकता है और क्या हो सकता है, जीरो के इक्वल भी हो सकता है। आर जीरो से बड़ा हो सकता है लेकिन कहां तक बड़ा होगा, जहां तक ये बी से छोटा होना चाहिए। बात समझ में आई आपको, क्लियर हुआ ये। अब देखिएगा यूनिक का मतलब समझिएगा कि ए और बी, अब यूनिक का मतलब कि यदि आप 2 से किसी भी कंडीशन में 15 में डिवाइड करेंगे तो उसका एक ही जो रिजल्ट मिलेगा, जो कोशियंट होगा वो आपका क्या होगा, 7 मिलेगा। तो ये यूनिक होगा। मान लीजिएगा यदि कोई दूसरा नंबर आपके पास होता, ऐसे हम कह दें कि हमारे पास 16 हो जाए और 3 से हम डिवाइड करें, जब 3 से डिवाइड करें तो ये 5 टाइम्स में आपका क्या होगा, 15 1। तो ये जो आपका रिजल्ट मिल रहा है वो क्या हो जाएगा आपका, यूनिक होगा, क्योंकि क्योंकि हमने बात करा और जो ये मिल रहा है रिमाइंडर ये भी क्या होगा, यूनिक होगा, क्योंकि अलग अलग का अलग अलग आएगा। ठीक है बच्चों, यहां तक ये चीज समझ में आई। अब आगे हम पढ़ेंगे यूक्लिड एल्गोरिथम के बारे में, वो क्या है, फिर इसके बाद हम आगे चलेंगे एग्जाम्पल पे। नोट करिए इसको। तो आगे हमारा हुआ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम केवल इसी के लिए नहीं है, इस चीज की अगर हम मीनिंग समझें तो एल्गोरिथम मतलब स्टेप बाय स्टेप, यानी जो सीढ़ी होती है नीचे से ऊपर एक एक करके जब हम जैसे हम चढ़ते जाते हैं वैसे ही है।
कहता है एन एल्गोरिथम इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। मतलब क्या है कि किसी भी प्रोसेस को करने के लिए जब हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो उसमें हम किसका यूज करेंगे, स्पेशली इस चैप्टर के लिए यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का। मतलब क्या हुआ, यहां से बात सीधे सीधे थोड़ी सी समझने की कोशिश करेंगे कि इसके हेल्प से हमारे पास टू नंबर होंगे और टू नंबर से एक नंबर आपका ग्रेटर होगा और एक लेस होगा, जिसके हेल्प से हम क्या करेंगे, HCF फाइंड करने की कोशिश करेंगे। HCF फाइंड कैसे करते हैं, HCF नॉर्मल आप फाइंड करना जानते हैं, लेकिन हमें क्या कह दिया है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से करना है तो उसी चीज को स्टेप बाय स्टेप कैसे करते जाना है, उसी में हम किसको पढ़ते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम को। अब देखिएगा कहां गया, फर्स्टली क्या होना चाहिए हमारे पास, टू नंबर होने चाहिए, टू पॉजिटिव इंटीजर्स, क्या होने चाहिए, टू पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए। कहेगा फिर सेकेंड उसमें कि ए इज ग्रेटर देन बी, फर्स्टली क्या होना चाहिए आपके पास, टू पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए, फिर इसके बाद कहेगा ए इज ग्रेटर देन बी, तो इस चीज को हम कहेंगे कि अब अप्लाई करेंगे स्टेप को। अब अप्लाई कैसे करेंगे, उस फॉर्म में कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और ये आप तब तक करेंगे जब तक ये आर आपका क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो। आगे प्रोसेस में क्या करेंगे कि ये हमको अब स्टेप बाय स्टेप करते जाना है। यदि आर अगला अगर हम कह लें कि ये आपका थर्ड हो जाए और ये फोर्थ है, तो ये तब तक हम फॉलो करेंगे जब तक R आपका क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो। जब तक आपका R जीरो नहीं है तब तक इस चीज को क्या करते जाएंगे, फाइंड करते जाएंगे। और अगली बात समझिएगा, जब R इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो जो आपका यूनिक नंबर्स आएगा वो क्या होगा, इन दोनों नंबर्स का HCF हो जाएगा। बात समझ में आई आपको, एग्जाम्पल लेते हैं फिर चीजें क्लियर होंगी। तो अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से इस मेथड को समझने की कोशिश करेंगे। तो नॉर्मल आप क्या करते हैं, अगर ऐसा आपके पास नंबर दिया गया हो और आपसे क्या पूछ दिया जाए, HCF पूछ दिया जाए, तो आप फर्स्टली करते क्या है नॉर्मल मेथड से कि 2 to 5, मतलब क्या है, इनमें से एक ग्रेटर है और एक लेस है। बात तो समझ में आई होगी कि ये वाला बड़ा और ये वाला भैया छोटा, तो हम करते क्या है, बड़े वाले भैया को अंदर रखते हैं, छोटे वाले भैया को बाहर रखते हैं और यहां से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली जब हम डिवाइड करते हैं तो फर्स्ट टाइम हमें 1 times गया हमारे पास 135 हुआ। अगर हम रिमाइंडर देखें तो ये 0 हुआ, ये आप कर लेंगे तो ये 90 हो जाएगा। यहां से एक चीज आई आपसे, फिर आगे क्या करते हैं कि फिर हम डिवीजन रूल को ही लगाते हैं, फिर आगे चलते हैं, आगे चलते हैं तो इनको फिर यहां जो बाहर थे उनको अंदर किए हम ये चीज, फिर यहां से करेंगे तो कितने टाइम्स, 1 times, फिर हमारे पास 90 आ गया और बच गया कितना, 45। फिर आगे हम चले तो हमारे पास कितना आ गया, 90 और 2 times में क्या हो गया, ये कहानी खत्म हो गई इनकी। मतलब हम अगर नॉर्मल इस मेथड से करें और हम आपसे पूछ दें कि 135 और 225 का जो आपका HCF होगा, तो आप तुरंत फटाक से कहेंगे कि सर ये तो 45 हो जाएगा। बस यही चीज है। अब इस चीज को हमें किस पे अप्लाई करना है, यूक्लिड्स आपके डिवीजन लेमा से। तो इस चीज को आप अप्लाई करेंगे तो फर्स्टली आप अगर थोड़ा सा ज़ूम करना चाहें तो इसको हम ए कर लें और इसको क्या कर लें, बी, या फिर अगर आप इसको ए करना चाहते हैं, बड़े वाले को ए कर लीजिए, छोटे वाले को बी कर लीजिए। तो फर्स्टली जो फर्स्ट स्टेप होगा, फर्स्ट स्टेप में हमने कहा कि इस प्रोसेस को लिखने की कोशिश करेंगे तो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस क्या होगा, आर होगा। फिर सेकेंड स्टेप में हमने क्या कहा था, बस उस स्टेप को आप करते जाइए, बहुत सारे तरीके चाहे जैसे करते होंगे लोग, लेकिन हम इस तरीके से कर रहे हैं और बात को समझिएगा। यहां कहेंगे कि ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन क्या हो गया, बी, ऐसा कंडीशन हुआ तो ए को कहां रखते हैं, थर्ड स्टेप जो आपका होगा इस रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ए को यहां रखे, यानी हमारे पास जो बड़ा नंबर था
225 इक्वल टू आपका क्या आएगा, ये बी माना है हमने 135 आएगा, 135 आया, 135 का मल्टीप्लाई हम क्या करें, 1 करेंगे, लिख लेंगे इसको, प्लस क्या हुआ 90। अब ये जो 90 है, इस चीज को समझिएगा, ये जो 90 है r नॉट इक्वल टू 0, यानी r इक्वल टू कितना आया, यहां से 90 आया, आ गया कि नहीं आया। जब ये नॉट इक्वल टू 0 है तो फिर हम अगला स्टेप करेंगे, अगला स्टेप कैसे करेंगे उस चीज को फिर समझिएगा। अब इसके लिए आपका ये a बना और ये क्या बन गया, b बन गया। तो अगला स्टेप जैसे ही करेंगे, लिख लेंगे यहां r नॉट इक्वल टू 0, सो नेक्स्ट स्टेप, सो नेक्स्ट स्टेप। तो नेक्स्ट स्टेप जैसे ही आप करेंगे, फिर ध्यान से देखिएगा यहां पे, तो आप क्या करेंगे, 135 इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई 1 प्लस कितना रिमाइंडर आपका आएगा 45। फिर कहेंगे r नॉट इक्वल टू 0, सो नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि यहां ऐसे सो लिख रहे हैं, नहीं आया 0 आपका, तो आगे चलते जाएंगे। अब क्या करेंगे, 90 इक्वल टू, ये क्या हो गया, 90 इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई क्या 2 प्लस क्या आ जाएगा आपका 0। तो r इक्वल टू 0, बस स्टेप आप क्या कर देंगे, यहीं पे रोक देंगे, अपने स्टेप को क्या करेंगे, यहीं पे ब्लॉक करेंगे। तो अब आप देखिए कि किसके वजह से ये पूरा का पूरा क्या हुआ, डिवाइड हुआ। तो कहेंगे, अब आप कहेंगे, सो 45 इज द एचसीएफ ऑफ ब्रैकेट में क्या लिखेंगे आप, 135 एंड 225, और यही क्या होगा आपका रिजल्ट होगा। बात समझ में आई होगी आपको आराम से बिल्कुल, कि जब अगर ऐसा आपके पास नंबर हो और एक बड़ा हो और एक छोटा हो, तो फर्स्टली आप करते क्या है कि नॉर्मल, अगर नॉर्मल वे में कहें हम सॉल्व करने के लिए आपसे और एचसीएफ फाइंड करने के लिए, तो आप ये तरीका अपनाते हैं और तुरंत आप एचसीएफ 45 बता लेते हैं। ठीक, अब इसी चीज को हम अप्लाई करेंगे किस पे, यूक्लिड्स डिविजन लेमा रूल पे। तो उस रूल पे करेंगे तो हमारे पास a इक्वल टू bq प्लस r बनता है। हमने इनको लिट करा a और इसको लिट कर लिया b। फिर क्या करेंगे कि दोनों में से जो बड़ा है देखेंगे a इज ग्रेटर देन b, बस अप्लाई करेंगे, 225 को बाहर किया, फिर 135 मल्टीप्लाई क्या हुआ 1 प्लस रिमाइंडर आपका 90 बचा। जब r नॉट इक्वल टू 0 है, यानी r इक्वल टू 90 है, तो फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप करेंगे। ये तब तक करते जाते हैं जब तक कि r आपका 0 नहीं आता है। फिर हम अगला स्टेप किए, फिर 0 नहीं आया, फिर अगला स्टेप किए, जैसे ही हम अगला स्टेप किए तो हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। तो कहेंगे कि जिसके वजह से 0 आया, तो सो 45 इज द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। ये चीज अगर आपको अच्छे से समझ में आई होगी तो ये एकदम बिल्कुल 100% आप अपने से कर लेंगे। हमारे डियर स्टूडेंट, आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। तो अब हम एक्सरसाइज 1.1 की बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।